फिर से वेलकम है आप लोग का मेरा चैनल पे। अभी मैं नॉर्थ सिक्किम पे हूँ, जो कि लाचेन रूट। और आज 27 तारीख अप्रैल महीना 2022, और मैं आज जा रहा हूँ गुरुदुमर लेक। लेकिन मैं अभी थांगू वैली पे हूँ, मिनिमम 12,000 हाइट फुट ऊपर। और मैं अभी काला पत्थर दिखाने वाला हूँ आप लोग का। उधर शायद बर्फ़ होगा या नहीं होगा, वो भी मैं आप लोग का दिखा रहा हूँ। देखते रहना, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ये है पूरा थांगू वैली का सीन। और आज हमारा साथ कोलकाता से आया है कुछ हमारा मेहमान टूरिस्ट। और एक आप हमारा है ना, है। मेरा गाड़ी पे था। ठंडी लग भी ना नहीं। हमारा दादा कथा है, दादा कथा गिले। सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इधर, क्योंकि हम लोग मिनिमम लाचेन से 24 किलोमीटर आगे निकल चुका है, इसीलिए इधर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। और कैसे हो? और बहुत अच्छा है हमारा विल्सन भाई, बहुत अच्छा है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं काला पत्थर, काला पत्थर से लेके चलेंगे गुड़गांव। बर्फ तो सिर्फ काला पत्थर में है, लेकिन काला पत्थर जाएंगे और देखेंगे आप लोग का उधर सिचुएशन क्या होगा। अगर कुछ सिकनेस प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग शायद गुरुदुम्बा जा नहीं पाएगा जैसे लग रहा है ना। फिर भी हमारा दादा तगड़ा है ना, तगड़ा से लेक जा पाएगा, एकदम जाएंगे। ओके, एकदम चलेंगे। और ये है मेरा गाड़ी, और मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक चेक पोस्ट है थांगू वैली, जो थांगू का चेक पोस्ट, वहाँ एंट्री करना पड़ेगा काला पत्थर जाने के लिए। अगर आप लोग जो कोई नया बाइक राइडर वाला आ रहा है तो वहाँ एंट्री करके जाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर गुरुदुमर लेक तक जा नहीं पाएगा। ये है हमारा मेन चेक पोस्ट। अभी मैं एंट्री करने के लिए जा रहा हूँ, दिसंबर में भी हो सकता है, दिसंबर लास्ट या जनवरी। इस टाइम तो दिसंबर लास्ट से हुआ। अच्छा, लेट से आया है, लेफ्ट टर्न जाना पड़ेगा काला पत्थर के लिए। लेफ्ट टर्न, लेफ्ट डायरेक्शन सीधा जाएगा गुरुदुमर। अच्छा, एक बाधी के अच्छे काला पत्थर सोजा। अभी शुरू हुआ असली सफर। वाओ, ये छोटा वैली है, ये नीचे छोटा वैली है। फाइनली अभी मैं काला पत्थर जा रहा हूँ, जो कि आप लोग जब काला पत्थर जाते वक्त में जो ये जगह देखने के लिए मिलेगा, जो कि देख सकते हैं, इसको छोपटा वैली भी बोलता है। और ये बहुत प्यारे लग रहा है देखने के लिए। और वही ऊपर पहाड़ है, वही काला पत्थर, मैं जा रहा हूँ क्या है उधर देखने के लिए। मिनिमम हमारा सफ़र यहाँ से आपको 20 मिनट का होगा। और दोस्तों, मैं अभी काला पत्थर पे हूँ, मिनिमम 14,000 हाइट फुट ऊपर पे, और लाचेन से 50 किलोमीटर आगे है। और मैं फिर आप लोग को यहाँ से गुरुदुमर की तरह भी ले जा रहा हूँ। और बर्फ़ तो है थोड़ा बहुत, उतना नहीं है, फिर भी आप लोग खेल सकता है, देखने का लायक का एक बर्फ़ है। और ये एक पत्थर है, और पत्थर का ऊपर मैं थोड़ा चढ़ रहा हूँ, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा है वहाँ से नज़ारा पूरी काला पत्थर का। मैं ये पत्थर का ऊपर चढ़ रहा हूँ। वाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं।
बहुत सा मस्त जगह है। फिलहाल मैं अभी काला पत्थर का जो सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ पे खड़ा हूँ, जो कि ये पीछे दिखाई दे रहा है, ये पूरी का पूरी काला पत्थर है। क्योंकि एक काला पत्थर में जो कि सफ़ेद एक चादर ढका हुआ का जो एक नज़ारा दिखाई दे रहा है। देखिए पीछे बहुत सा गाड़ियाँ आ रहा है, मिनिमम आपको 150 से लेके 200 तक गाड़ी है। देखने के लिए बहुत लोग आ रहा है, क्योंकि अभी तो आप लोग को 0 पॉइंट में भी बर्फ़ थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो एक काला पत्थर में मिलेगा बर्फ़ देखने के लिए। गुरुदुम्बर का रास्ता पे कहीं भी आपको बर्फ़ देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काला पत्थर का आपको द हार्ट ऑफ नॉर्थ सिक्किम, एक नॉर्थ सिक्किम का दिल भी कहा जाता है। और आप लोग को सांस लेने में उतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इधर ऑक्सीजन है बहुत, फिर भी कितना को सूट नहीं करेगा। जिसको प्रॉब्लम होगा वो तो होते रहेगा, और जो स्ट्रांग है उसके लिए फिट रहेगा। जो कि सभी गाड़ियाँ ये आगे जो दिखाई दे रहे हैं, ये एक छोटा सा नाला है वहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको आगे कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि यहाँ से आगे एक मिलिट्री चेक पोस्ट है, वहाँ से वो मिलिट्री चेक पोस्ट से आगे किसी को भी जाना नहीं देता है, क्योंकि यहाँ से आगे एक टिबेट बॉर्डर है, इसीलिए जाना मना है। और जो कि उधर दिखाई दे रहा है वो बर्फ़ पूरी, बहुत सा लोग इंजॉय ले रहे हैं बर्फ़ पे। आप लोग मिनिमम 20 मीटर आगे पैदल चलना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे आप लोग आते वक्त में तो गाड़ी भी वहाँ तक पहुँचेगा जैसे लग रहा है। अभी गाड़ी उधर नहीं जा रहा है, जा सकता है लेकिन रास्ता छोटा है, इसीलिए थोड़ा हम लोग ये इधर बड़े सा जगह है उधर ही रोक देता है। आप लोग 20 मीटर पैदल करके आप लोग फुल इंजॉय बर्फ़ देख सकता है। और बहुत सा मस्त ये जगह काला पत्थर नॉर्थ सिक्किम, आप लोग आ सकते हैं। जब आप लोग आ रहे हैं तो स्पेशल आप लोग का परमिट के लिए आपको वोटर आईडी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड से आप लोग का परमिट नहीं बनता है, आप लोग का वोटर कार्ड ही होना चाहिए। और वोटर कार्ड नहीं है तो आप लोग का गार्जियन का या किसी का फादर जो जिसको भी वोटर कार्ड होने से चलेगा। पूरी का पूरी अलग ही टाइप का नज़ारा है इधर, देखने के लिए बहुत जगह अच्छा है, देख सकते हैं। मैं तो अभी बहुत ऊंचाई पे हूँ, जो कि ये एक पत्थर है, पत्थर का ऊपर मैं चढ़ के आप लोग का ये सीनरी दिखाने के ट्राई कर रहा हूँ, देख सकते हैं पूरी। अभी इतना ही बर्फ, यहाँ से आगे तो मेरा ख्याल में मिनिमम ये महीना लास्ट तक रहेगा ये बर्फ़, उसके बाद तो मुश्किल है आप लोग बर्फ़ देखने के लिए। और हो सके तो आप लोग बर्फ़ के लिए इसी महीने का अंदर विजिट करिए नॉर्थ सिक्किम, उसके बाद तो आपका सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ गुरुदुम्बर की तरह, देखते रहना। अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ, जो कि ये दिखाई दे रहा है पूरा ये पत्थर है, रास्ता थोड़ा हमारा तो आदत है, लेकिन आप लोग चढ़ नहीं सकेगा इस जगह पे, पूरा ऐसा है डाउन हिल। ओके मैं जा रहा हूँ अभी गुरुदुम्बर लेक, लेकिन हमारा टूरिस्ट थोड़ा 60 इयर्स का है, थोड़ा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, लेकिन क्या होगा देखेंगे सिचुएशन, गुरुदुम्बर लेक तक पहुँच पाएगा कि नहीं। अगर पहुँच पाएगा तो गुड लक है, पहुँच नहीं पाएगा तो क्या करूँ, अपना अपना किस्मत है। मैं तो वही बोलता हूँ आप लोग को, जो कि दो बच्चे, एक बच्चे लेके आया था मैंने, वो बच्चे को नीचे लाचेन पहुँचते वक्त में वो प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा वॉमिटिंग हो रहा था, इसीलिए मैंने बच्चे को लाचेन होटल पर रख दिया, और बाकी लोग को लेके आया है, क्योंकि बच्चे भी मैंने इधर तक लेके आने से आ नहीं पाता था, क्योंकि एक की वजह से दूसरा ने भी ये जगह देख नहीं पाता था, इसीलिए
आप लोग भी आ रहे तो बच्चे लेके मत आइए गुरुदुमर लेक, इधर प्रॉब्लम होगा बच्चे के लिए बहुत, ये जगह एक खतरा है एकदम। क्या लग रहा है दादा? एकदम भालू। क्या मो आचे? एकदम सुंदर। एकदम भालू आचे ना? भालू आचे। ओ मैं अभी कालापत्थर से गुरुदुम्बा की तरह आ चुका हूँ, अभी 15,000 हाइट फुट ऊपर पे हूँ मैं, पूरा बहुत सा अच्छा जगह दिखाई दे रहा है, पूरा पेड़ पौधे बहुत कम दिखाई दे रहा है इधर, ये छोटा छोटा है इधर, इधर कुछ भी पेड़ पौधे नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन कम होते जा रहा है। यहाँ से गुरुदुम्बर लेक आपको मिनिमम 1 घंटा का रास्ता है, और थोड़ा रास्ता ख़राब है ये बीच में, और फिर बाद में अच्छा है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे जा रहा हूँ। फाइनली मैं अभी गुरुदुम्बर लेक भी पहुँच चुका हूँ, बहुत तेज से हवा चल रहा है, मिनिमम हम 17,800 हाइट फुट ऊंचाई पे हूँ। मेरा गाड़ी इधर स्टार्ट में रख रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम होता है जैसे आया ऐसे ही बंद करने से, थोड़ा मौसम भी गड़बड़ हो रहा है इधर, पूरा काला की काला, इतना तेज से हवा चल रहा है, बाप रे बाप, ये आगे ग्लेशियर की तरह स्नोफॉल हो रहा है, छोटा मोटा इधर स्नोफॉल भी हो रहा है। अरे पैसा जी, पहले ये सीन तो देखो, वाह 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 वाह, क्या बाबा क्या उरी बाबा, देखिए ये नीचे पैदल जा रहा है उधर, लेकिन मुश्किल पड़ेगा, मत जाइए आप लोग, ये पैदल जाने के लिए आप लोग को अलाउड नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है, बाई चांस आप लोग का उधर लेक का बीच में कुछ हुआ ना, रिस्क नहीं लेता है, इसलिए मैं तो बोल दिए हैं सबको इधर मत जाइए, सिर्फ आपको इधर देखना है। और हमारा दीदी दादा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, आपका उम्र कितना है बताइए दीदी? उम्र 59 ईयर्स का आया है इधर, 59 साल से, फिर भी बहुत तगड़ा दमदार। हेलो दादा, आपका उम्र कितना है? ओ दादा को तो 65 है, कुछ बताइए क्या कुछ हो रहा है? ना, नहीं हो रहा है ना, 65 का उम्र में भी कुछ नहीं हो रहा है, मेरा ख्याल में लग रहा है बहुत दम है दम दादा का दिल पे। सो इतना ही दोस्तों गुरुदुम्बर लेक का, और मैंने दिखा दिया आप लोग को क्या लग रहा है गुरुदुम्बा में, कुछ कहना है? बहुत बहुत अच्छा, सांस प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? नहीं, किच्छू हवे ना, एकदम नॉर्मल, मतलब जिसका दम है वही देखेगा, ये जिसका दम नहीं है वो देख नहीं पाएगा। अभी मैं बैक टू लाचूं जा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग का मेरा लास्ट पॉइंट 0 पॉइंट भी दिखाने वाला हूँ, देखते रहना। जब मैं गुरुदुम्बर से लौट रहा था लाचुंग की तरह, लेकिन गुरुदुम्बर लेक का सामने ये हरिन देखने के लिए मिला, ये एक पहाड़ी हरिन है, और जो किस्मत वाले है उसी ने देखने के लिए मिलेगा, और हर टाइम ये नहीं मिलेगा देखने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा बारिश हो रहा है सिक्किम पे, अभी हर रोज़ बारिश हो रहा है, इसीलिए मज़ा भी आएगा थोड़ा बारिश थोड़ा धूप। अरे बाबा कंची झरना, ये ऑन द वे चुंगथांग टू लाचेन नॉर्थ सिक्किम का कंची झरना है, बहुत सा प्यारे है, सो दिखाई दे रहा है।
अभी मैं लाचुंग पहुँचने में मिनिमम 15 किलोमीटर है और रास्ते पे हम लोग 2 घंटे तक बैठना पड़ा क्योंकि रास्ते का काम हो रहा है BRO वाले को और हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं 2 घंटा पूरा आगे काम हो रहा है और बहुत सा गाड़ियाँ है इधर जाम लगा हुआ है। अभी शाम का अभी 6 बज चुका है क्योंकि नज़ारे भी थोड़ा प्यारे लग रहे हैं। अभी मेरा 3रा दिन है, मैं लाचुंग पे हूँ और मैं निकलने वाला हूँ अभी डायरेक्ट 0 पॉइंट की तरह। अभी युमथांग का रास्ता पे बहुत कुल्लू वगैरह देखने के लिए मिलेगा जो रास्ता पे ऐसा नज़ारा दिखाई देगा, लेकिन मैं आप लोग को डायरेक्ट 0 पॉइंट की तरह ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले का वीडियो पे मैंने ऑलरेडी युमथांग का जो फ्लावर वैली का फूलों का वीडियो डाल दिया है इसीलिए। ओ रे बाबा। दोस्तों फाइनली मैं 0 पॉइंट आ चुका हूँ। 15,000 फुट ऊपर रॉक वैली दिखाई दे रहा है 0 पॉइंट का और जो ये माउंटेन दिखाई दे रहा है ये एक तिब्बत और इंडिया का एक माउंटेन है। ये माउंटेन से उस तरफ आपको तिब्बत पड़ेगा और हाल ही में इधर बर्फ़ नहीं मिलेगा। देखिए बर्फ़ नहीं है हाल ही में। अभी उतना ठंडा नहीं है, गर्म का मौसम है। आप लोग बर्फ़ के लिए आप लोग उस तरह जाना पड़ेगा उस पहाड़ पे। बर्फ़ पिघलते जा रहा है, बर्फ़ किछु नहीं है, आप लोग बर्फ़ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो छोटा बहुत मिलेगा, उधर चढ़ना पड़ेगा। फिर भी क्या बताऊँ आप लोग को, छोटा मोटा उतना ज़्यादा हैवी सा बर्फ़ नहीं है। ये छोटा छोटा मकान है 0 पॉइंट का, एक ऐसे ही कॉफ़ी शॉप है। थोड़ा बहुत हवा आ रहा है और जब आप लोग आ रहे तो ये सूखे पूरे ऐसा काला बर्फ़ कहीं नहीं है। और 0 पॉइंट में आपको 20% बर्फ़ मिलेगा। वो बर्फ़ देखने के लिए आपको इधर से ऐसा करके ये छोटा सा ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा आगे। और ये है एक टिस्टा रिवर, यहाँ से शुरू होता है। ये है छोटा सा नाला, हमारा भाई है वो पानी वो क्या बताऊँ। हाँ उसका गाड़ी थोड़ा पुराना खटेरा है इसलिए पानी ले रहा है। क्या हुआ गाड़ी? हिट हो गया। हाँ गाड़ी अच्छे से बनाओ नहीं तो फिर ऐसे पानी बोक के चलना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ आगे। ये ब्रिज है छोटा सा, ये ब्रिज क्रॉस करके ऐसा करके निकल रहा हूँ मैं बर्फ़ की तरह। मिनिमम आप लोग 30 मीटर का पैदल सफ़र करना पड़ेगा इधर बर्फ़ देखने के लिए, नहीं तो नहीं मिलेगा भाई। अरे भाई देखो ये पानी तो की काला अच्छे, पूरा पानी भी काला हो रहा है। हाँ बाबा
थोड़ा सा ऊपर बर्फ तो देखा नहीं पड़ेगा। अभी मैं 0 पॉइंट तक आ गया तो आप लोग का थोड़ा बर्फ का मजा तो चखना ही पड़ेगा, इसीलिए जा रहा हूँ। इस वक्त का बर्फ तो आप लोग के लिए एक अमृत सम्मान हो रहा है, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है बर्फ, इसीलिए ये है बर्फ जो 0 पॉइंट पे सिर्फ इतना सा ही बर्फ मिल रहा है। उसके लिए बहुत पैदल चल के आना पड़ रहा है। देखिए लोग बर्फ देखने के लिए इतना ऊपर पड़ा पहाड़ पे चढ़ के जा रहा है। पूरा थोड़ा काला काला है बर्फ भी। ठीक है ना दादा? ठीक है एकदम। अभी उतना बर्फ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, बर्फ का खेला खत्म हो रहा है। जितना मिला हाँ सही है, अभी इतना में आप लोग सेटिस्फाई कीजिए। हाँ एकदम, अभी तो जो मिला है हाँ भगवान का दिया है। मैं भी बैक जा रहा हूँ, यही है 0 पॉइंट का असलियत नज़ारा। क्योंकि बर्फ का टाइम पे तो ये एक अलग से जगह होता है, अभी तो कुछ नहीं है पूरा। देखिए ये पीछे बर्फ देखने के लिए उतना दूर से लोग पैदल आ रहे हैं। हेलो दीदी, क्या बना छे, कहाँ घूम रहा है ऐसा? ये तो 0 पॉइंट है, अच्छा लग रहा है और ठंडा है। कहाँ जा रहा है इधर? हाँ यहाँ पर बर्फ बर्फ हाथ लगा नहीं है, उतना ज्यादा तो नहीं है, फिर भी इंजॉय कीजिए। आप लोग को नसीब में इतना ही मिला। सो दोस्तों Thank you.